तरीके से राजस्थान में जो जितनी भी भर्तियां हैं, जैसे पैरामेडिकल समर की भर्तियां हैं, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, उनमें और फार्मासिस्ट में साफ तौर पे जो फर्जी डिग्री प्रकरण आ रहे हैं और साथ में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के भी इश्यूज आ रहे हैं, और स्पोर्ट्स की जो सूचियां हैं उनमें भी फर्जी यूनिवर्सिटियों से गोल्ड मेडल वाले, फर्जी सर्टिफिकेट वाले आ रहे हैं। तो बड़े स्तर पर इसमें जो है डिग्रियों का, डिप्लोमों का, बाहरी राज्यों से फर्जी डिग्रियां 90-90% की बनवाकर ला रहे हैं, और राजस्थान के एक भी फेयर अभ्यर्थियों के, गिने चुने अभ्यर्थियों का नंबर आ रहा है। और ऐसे में जो राजस्थान सरकार तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन ले, इसके लिए आज हमारा स्वास्थ्य भवन पे घेराव था। घेराव के दौरान जो है हमारी मुलाकात सुरेश नवल जी से हुई, जो निदेशक साहब है, और साथ में जो है ACS मैडम शुभ्रा सिंह तक हमारी बात रखी गई। तो उसके पश्चात निष्कर्ष यह निकला है कि भी कमेटी बनाई जाएगी, इसमें जो फर्जी लोग हैं उनको बाहर करने के लिए जो है एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सभी के डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। जांच के पश्चात जो है अनुभव प्रमाण पत्र होंगे वो फर्जी होंगे तो उनको बाहर किया जाएगा। ऐसे लोगों को बाहर करते हुए फर्जी लोगों को, और जो है उनके नीचे से फिर जो नीचे की रैंक के लोग होंगे उनकी भी एक नई चयन सूची जारी होगी। तो अभी तो डीवी लिस्ट है, उन्होंने कहा है कि भी जो है इसमें एक बार टेम्प्ररी लोगों के हिसाब से एक बार लिया गया है इसमें, तो बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी फर्जी निकल रहे हैं, जन्मतिथि हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से फर्जी लोगों की इसमें नाम आ गया था। तो वो जल्द ही उनको बाहर करने का उन्होंने आश्वासन दिया, और कमेटी बनाई है 5 सदस्य ही, जिसमें कई निदेशक और जो है PH के जो है निदेशक, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का हमें आश्वासन मिला है। साथ ही जो है फर्जी लोग जो बाहर से आए हैं उन सभी बाहर के कैंडिडेट्स को रोकते हुए, अगर सूची भी जारी होती है तो ऐसी सूची जारी होगी जिसमें बिल्कुल फेयर, बिल्कुल साफ सुथरा जो होगा व्यक्ति, उसी का उसमें अभ्यर्थी का नाम आएगा। बाकी जो बाहर के राज्यों की जो सीटें उनको तो वहीं के वहीं अभी ब्लॉक कर दिया जाएगा और उनका रिजल्ट रोका जाएगा। एक एक व्यक्ति की पूरी तरह से जाँच होगी, चाहे राजस्थान का अभ्यर्थी है और बाहर से डिग्री कर रहा है, करके आया, या बारहवीं की उसकी बाहर की मार्कशीट है, तो उसकी भी जाँच होगी। और आश्वासन दिया है, आंदोलन हमारा लगातार निरंतर अभी बना रहेगा। हमने पहले ही इनको सुझाव दिया था कि लिखित प्लस बोनस अगर भर्ती करा देते तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती, पारदर्शिता रहती भर्तियों में। तो इसलिए सरकार से हमने दरख्वास्त किया कि जल्द से जल्द इन युवाओं के साथ न्याय किया जाए।